हम आए हैं इस वक्त सती अनसुईया धाम और ये जलधारा बहुत ही तीव्र गति से बहती हुई, हालांकि अभी कुछ एक हफ्ते पहले ये जो जलधारा है ये पूरे ऊपर तक थी, वहाँ तक जहाँ पर वो आपको एक सती माता का मंदिर दिख रहा है। एक हफ्ते में बरसात की वजह से इतना जल स्तर बढ़ा और उसके बाद 24 घंटे में थोड़ा सा डाउन होकर अभी भी काफ़ी तेज़ से धारा बह रही है। वक्त बरसात का समय है तो जल काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर भरा हुआ है। ये आ गए हम लोग जानकी कुंड। और ये अंदर से जाते हुए बगल में जो है गहरा है, ये पानी के साथ ही साथ हम लोग चले जाएंगे इस पार। तो ये आ गए हम लोग जानकी कुंड और इस वक्त तो जल भराव काफी अधिक मात्रा में है तो आपको संभल के ही आना पड़ेगा। हालांकि जमीन नीचे दिख रही है तो इस वजह से हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो ये है आरोग्य धाम चित्रकूट में, बहुत ही प्यारी जगह है और इस वक्त अप डाउन है पर देख लीजिए आप क्या नज़ारे हैं। देख रहे हैं, ये जिंदगी है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं स्फटिक शिला, चित्रकूट का एक और बहुत ही प्राचीन स्थल। फोन है ये ऊपर का कुछ स्थान मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। ये मंदाकिनी नदी है, बाढ़ की तबाही आप देख सकते हैं जो कि आई हुई थी।
दर्शन कर रहे हैं सब लोग। स्फटिक शिला के एक पत्थर है उसी के दर्शन हो रहे हैं। और ये प्राचीन यज्ञशाला, काफी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। शायद आप लोग सती अनुसुईया गए होंगे या जाएंगे। भगवान एक नंदाकिनी गंगा है जिसको माता अनुसुईया ने निकाला है जो राम के पहले से, जो अनुसुईया से निकलती है और चित्रकूट राम घाट होते हुए राजापुर जमुना में मिल जाती है जहाँ तुलसीदास जी की जन्म है। ये देखिए हमारी यमुना मैया बहुत ही उग्र रूप में है और इस समय यमुना जी पूरी अपने उफान पर हैं। उधर दिखाते हैं आपको, ये ट्रक आ रहे हैं कुछ। बांदा टू फतेहपुर के रास्ते पर पड़ता है ये। ये कुछ इसकी लहरें हैं, ये उठाई हैं। वहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए हैं। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने यमुना जी को इतना ज़्यादा भरा हुआ देखा है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, अंधेरा हो रहा है।